आप टाइम पास के लिए क्या करते हैं? ये सवाल ही गलत है, बड़ा ही डिल्यूजनल सा सवाल है। यू कैन नॉट पास टाइम, कैन यू? व्हेन इन रियलिटी टाइम इज पासिंग अस, थ्रू अस एंड बाय अस। टाइम के साथ साथ हम भी तो पास हो रहे हैं यार, जिसपे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। एंड टू आस्क यू ऑनेस्टली, आपके कितने ऐसे एंसेस्टर्स हैं, कितने ऐसे पूर्वज हैं जिनके नाम आपको पता है? ठीक है, कुछ लोगों को अपने दादाजी के पिताजी का नाम पता होता है, कुछ लोग नेचर से ज़्यादा क्यूरियस होते हैं तो उनको अपने दादाजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम पता हो जाता है, बट दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा नहीं। एंड इन द एग्जैक्ट सेम वे हमें भी बुला दिया जाएगा। और इस जन्म से पहले हम कहाँ थे और इसके बाद कहाँ जाएंगे, आर सम क्वेश्चंस वी रियली डोंट नो हाउ टू आंसर। इमेजिन नॉट हैविंग द वॉल क्लॉक, नॉट इवन योर हैंड वॉच, कैसा बिहेव करते आप? घड़ी आपके पास है ही नहीं। मेरे पास टाइम नहीं है इज एग्जैक्टली द मोमेंट व्हेन यू हैव टाइम, बहुत ही मिसलीडिंग सा एक्सक्यूज है। हम बहुत बड़े बहानेबाज हैं, हम इसलिए बात बोलते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ें नहीं करनी जो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि जिन चीज़ों को हम करना चाहते हैं उनके लिए कैसे ना कैसे करके हम टाइम निकाल लेते हैं। राइट, स्टॉप स्माइलिंग। जल्दी, बहुत जल्दी, लेट, बहुत लेट, बिल्कुल सही समय पे इज हाउ वी डिफाइन टाइम। राइट, या तो आप जिंदगी में कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हो या फिर नहीं, और जो कुछ होता है अपने सही समय पे होता है। ये कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जिनको हम यूज़ करते रहते हैं, और कुछ लोगों के लिए टाइम पैसा है, फॉर सम टाइम इज मनी, बट वॉट एग्जैक्टली टाइम इज एंड हाउ इफेक्टिवली वी कैन यूटिलाइज इट। टाइम इज एग्जैक्टली यू स्पेंड पुटिंग अ थॉट इन योर हेड। टाइम इज डिलेइंग और डूइंग थिंग्स। टाइम इज द नॉलेज दैट यू कैन डाई द वेरी नेक्स्ट मोमेंट एंड द वर्ल्ड विल स्टिल बी फंक्शनिंग द वे इट ऑलवेज हैज। द लास्ट लाइन हिट हार्डर। इट इज व्हाट इट इज। नेचर इज न्यूट्रल एंड ह्यूमंस बायस्ड। हमारे दोस्त, रिलेटिव्स, अंकल्स, मदर्स, फादर्स, इनको खोने के बाद हम उनको कितना एवरीडे लाइफ में डिस्कस करते हैं या याद करते हैं आपको बता देगा कि यू हैव मूव्ड ऑन एग्जैक्टली द सेम वे दे मूव्ड ऑन व्हेन समवन क्लोज टू देम डाइड। दैट्स हाउ इट इज डिजाइंड, दैट्स हाउ नेचर इज। यू हैव टू, यू हैव एंड हैड नो अदर चॉइस। और ना हम अपने बोरिंग वर्ड्स, सेंटेंसेस और टैक्टिक्स को ना रिपीट करते रहते हैं, यू नो, टाइम एंड टाइम अगेन वी जस्ट कीप रिपीटिंग सेम ओल्ड हैबिट्स एंड डू नॉट ब्रेक द पैटर्न्स एंड पॉइजनस हैबिट्स एंड देन कंप्लेन कि यार सामने वाला कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गया, देखो हम तो कुछ कर ही सकते बिकॉज हम बहुत ज़्यादा लेट हैं। नो, यू नॉट टू लेट बट टू लेजी टू डू इट रॉन्ग। तो किसी भी चीज़ को करने का सही समय क्या है? ऐसे क्या देख रहे हो यार, बहुत लोगों से सुन चुके हो, मैं भी बोलूं क्या? NOW, नॉट अ सेकेंड, मिनट और डे लेटर। नाउ इज द टाइम टू डू एनीथिंग यू वांट टू डू एंड नाउ इज ऑल यू हैव। यार आपका तो पता नहीं पर मैं भगवान नहीं हूं, मैंने अपना आने वाला कल देखा नहीं है और बीता हुआ कल मेरा इज ऑलरेडी अ पास्ट टेंस, यू नो। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट हैज टू बी डन एंड व्हाट you want to be done, because there are times when what has to be done has more benefits than what you want to be done. Hum ek aise world mein rehte hain jahan pe messages ko zyada padhna hame acha lagta hai, bas koi phone na kare yaar, phone uthane ka man nahi karta hai. And messages thode misleading aur misinterpret ho sakte hain, thode se gumrah karne wale bhi ho sakte hain, for two reasons. या तो भेजने वाला अच्छे से लिख नहीं पाया जो उसे लिखना चाहिए था, अपना मैसेज यू नो समझा नहीं पाया, या फिर हम अटेंशन डेफिसिट उस मैसेज को क्लियरली समझ ही नहीं पाए, पढ़ ही नहीं पाए जल्द पास। फोन्स एनी टाइम और इजी कम्युनिकेशन के लिए इन्वेंट किए गए थे, बट नाउ यू हैव व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड फेसबुक, बट हे यू ऑल्सो हैव यूट्यूब। Why can't we develop more skills by watching relevant YouTube videos, you know, podcasts and interviews of people you admire?
एंड बुक समरीज, अगर किताब आप पढ़ नहीं सकते हो तो वहाँ पे किताबों की समरीज हैं यार, गो लिसन टू देम, गो वॉच देम। देखो यार सिंपल सी बात है, जैसे कोई नहीं बताने वाला है आपको कि खाना कैसे खाना है, दैट मीन्स खाना चबा के खाना है या निगलना है, ऐसे कोई नहीं बताने वाला आपको कि अपना फ़ोन कैसे यूज़ करना है, ये आपके हाथ में है। यू नो, घंटों तक फ़ोन को स्क्रोल करते रहना इज़ खाने को निगलना, एंड वॉचिंग यूजफुल कॉन्टेंट इस खाने को चबा चबा के खाना। चॉइस अगेन इज योर्स। कोई आपको नहीं देख रहा है कि आप अपने फ्री टाइम में क्या कर रहे हो, लेकिन वो एक सेकेंड नहीं लगाएंगे आपका मजाक उड़ाने में या आपकी तारीफ करने में, अगर आपने कुछ अच्छा या बुरा किया है अपने फ्री टाइम। यू नो, टाइम एक बहुत पावरफुल चीज़ है जिसका सही उपयोग करके हम एक या तो अच्छे इंसान बन सकते हैं या फिर मिजरेबल इंसान। टाइम हील्स, टाइम टीचेस, टाइम मेक्स और ब्रेक्स थिंग्स। और बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि टाइम को मैनेज भी किया जा सकता है, और यही रीज़न है कि वो ज़िंदगी भर औरों के लिए काम करते रह जाते हैं। अगर आपने इतना भी एहसास कर लिया तो समझो कि आधी जंग जीत ली। हम कब अपना शरीर छोड़ देंगे किसी को नहीं पता, वो आज भी हो सकता है, आज शाम भी हो सकता है, कल, परसों, कभी भी, यू डोंट नो। पीपल आर डाइंग इन जिम्स यार, ट्रेडमिल पे चलते चलते लोग गिर रहे हैं। तो क्या सिर्फ ये छोटा सा एहसास या बड़ा एहसास इसको और अर्जेंट नहीं कर देता है कि हम लाइफ को अच्छे से जिए या इसमें कुछ कर जाएं? तो सोना छोड़िए और जाग जाइए। जस्ट स्टार्ट डूइंग, बिकॉज इट इज नॉट द क्लॉक विच इज टेकिंग बट अस, इट इज अस गेटिंग ओल्डर। एंड द नेक्स्ट टाइम यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, सेलिब्रेट इट हार्ड and with the people you love the most, because it is not your birthday, I'm sorry, it is your birth date. Birthday to chala gaya bahut piche dost, ye to sirf aapke birthday ka ek extension hai. And why not make every day your birthday? Why not count it as a blessing? Because it is. You do take a new birth every day jab aap subah uthte ho, you do collect a new experience every day, and you do meet different people every day. आप टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते हो, ना ही आपके पास कोई टाइम मशीन है जिससे आपने जो कर दिया है उसको मिटा सको या फिर वापस कर सको फिल्मों की तरह, राइट? सो माई मैसेज टू यू थ्रू दिस वीडियो इज कि वट एवर इज डन, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मार्च फॉरवर्ड, बट दिस टाइम विद टाइम। टेक केयर।